तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ गॉड ऑफ वॉर 4। तो यार, लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि क्रेटोस को जाना था माउंटेन पे जर्नी करने के लिए। और गाइज, वो जर्नी पे क्यों जा रहा है ये तो गेम वालों ने अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन उसका जाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट वाले एपिसोड में क्रेटोस अपने बेटे की परीक्षा ले रहा था और देखना चाहता था कि वो माउंटेन पे जाने के लिए रेडी है या फिर नहीं। लेकिन गाइज, एट्रियस उस परीक्षा में फेल हो जाता है एंड क्रेटोस भी साफ साफ बोल देता है कि भाई अब सुनो, तुम माउंटेन पे आने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। लेकिन गाइज, इस खतरों से भरी हुई जगह पे क्रेटोस अपने बेटे को छोड़ता है या फिर नहीं, ये गेम में अपन लोग आगे देखने वाले, ठीक है। एंड गाइज, इस गेम की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों ने पहले वाला एपिसोड मिस कर दिया है तो चैनल पर जाओ फटाफट से, पहले वो देखो। ऑल राइट गाइज, गेम के अंदर मैं एंटर हो चुका हूँ। ये रहा मेरा प्यारा सा बेटा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आपा खो बैठता है भाई। हाँ, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम जा रहे थे अपने घर के ऊपर, ठीक है। तो हमें जाना है अपने घर के पास। एंड गाइज, लास्ट वाले एपिसोड में मैं खेल रहा था कंट्रोलर के साथ, इसलिए काफ़ी ज़्यादा नुबड़ों की तरह खेल रहा होगा, ठीक है। अभी तुम्हारा भाई मचा देने वाला है, टेंशन मत लो तुम लोग। And what was that frozen thing that attacked us? I do not know. Now be silent. We are almost home. वो फ्रोज होने वाले बंदे ने हम पे अटैक क्यों करा था? हमारी मम्मी के गार्डन को जलाया क्यों था किसी ने? और वो लोग यहाँ पे हमें मारने के लिए क्यों आ रहे हैं? ऐसा तीन चार क्वेश्चन बंदा पूछ रहा है भाई। आई होप मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे एक गेट है एंड क्या हमें गेट से अंदर जाना है क्या? ओ, यहाँ पे घर है, घर पे जाना है शायद से। लेट्स गो, चलते हैं घर के अंदर। इनसाइड बॉय। एंड आई होप गाइस अभी गेम लैग नहीं हो रही होगी, लास्ट वाला एपिसोड काफी ज्यादा लैग हो रहा था यार। सेटिंग का थोड़ा सा चक्कर हो गया था, खराब सेटिंग कर दी थी मैंने। क्या कर रहा है बकेटोर्स? सैड म्यूजिक बजने लगा, इसकी बीबी से रिलेटेड याद है। हाँ, अस्तिया भर रहा है क्रेटोस। एक थैली है एंड उस थैली के अंदर उसकी पत्नी की अस्तिया भर रहा है। और भाई ऐसा तो नहीं, ये माउंटेन पे उसी चीज के लिए तो नहीं जा रहे ना भाई? ये माउंटेन पे इसकी बीवी की अस्तिया डालने के लिए तो नहीं जा रहे ना? हो सकता है भाई, क्योंकि अभी तक गेम वालों ने रिवील नहीं करा है कि माउंटेन पे वो लोग क्यों जा रहे हैं। मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार, किसी की पत्नी मर जाए और वो माउंटेन पे जर्नी के लिए निकल जाए घूमने के लिए। घूमने के लिए तो नहीं जा सकता ना, कुछ इम्पोर्टेंट काम ही होगा ना। ओके, अस्थिया इसने भर दी है। ओके, घर के अंदर जा रहे हैं आगे सभी। अभी जाएगा एड्रेस के पास एंड उसको समझाएगा कि भाई तू रेडी नहीं अभी चलने के लिए हमारे साथ माउंटेन पे। ये बोल रहा है मेरे साथ अनफेयर हुआ है, You lost control. तुमने खुद का That आपा thing खो was दिया trying to था। kill us. It's not like you don't get anger in a fight. Anger can be a weapon if you control it. वो Use चीज हमें it. मारने की कोशिश You कर रही clearly थी। cannot. When you I haven't been sick in a long time. ये I'm बीमार भी worried. पड़ता है आई गेस गाइस, क्योंकि लास्ट टाइम इसने बोला था कि मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ बहुत दिनों से, और अभी भी बोला उसने कि बहुत दिनों से बीमार नहीं पड़ा हूँ। कम ऑन देन, क्रेटोस फाइट करना चाहता है इसे। अच्छा नहीं, उसको मारने के लिए बोल रहा है शायद खाली। Try again. इसको काफी गुस्सा आता है, क्रेटोस बोल रहा था। Why are you doing that? Too slow. ये देखो, Try again. इसको गुस्सा आ रहा है, देखो धीरे धीरे। Weak again. Again. भाई इस बंदे के अंदर इतना गुस्सा क्यों है? ये देखो भाई, कितना गुस्सा वारा पड़ा है बंदे के अंदर। इसी चीज की वजह से कंट्रोल नहीं का, मतलब इसी चीज की वजह से ये माउंटेन पे जाने के लिए रेडी नहीं है भाई। Your anger, you can get lost in it. तुम अपने That एंगर की makes वजह से difficult. हार सकते हो और तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगी And तुम्हारे your एंगर की choices वजह से। are clearly not ready. तुम क्लियरली माउंटेन पे जाने के लिए तैयार नहीं हो। Quiet. ये क्या है? क्योंकि गाइस तूफान आ रहा है शायद। क्रेटोस ने उसको शांत बैठने के लिए बोला है एंड तूफान। ओ, गेट पे कोई आए, बाहर आ जाओ। मुझे पता है तुम अंदर छुपे हो और मुझे पता है तुम कौन हो। you know
More importantly, I know what. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम क्या चीज हो. ओके, एक छुपा हुआ रास्ता है, मतलब शायद कुछ तो है छुपा हुआ. काल कोठरी उसके अंदर छुपा दिया है एड्रेस को. ये बोल रहा है कि मुझे फाइट नहीं करनी है, मुझे बस क्या जानना है ये तुम बता दो. और ये देखो भाई, इसके शरीर पे काफी ज्यादा टैटू है एंड काफी पतला सा दुबला सा बंदा है भाई. वो क्रेटस के फाइट करने की भाषा कर रहा भाई. मुझे लगा था तुम काफी बड़े होंगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरह हो. तुम काफी दिन से घर नहीं गए हो. इसको कुछ चाहिए और क्रेटस बोल रहा है कि तुमको क्या चाहिए. तो बंदा बोला कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे क्या चाहिए ये तुमको पता है. क्रेटस बोला कि मेरे पास वो नहीं है, तुमको जाना चाहिए. कायर बोल रहा है भाई ये तो. क्रेटस को कायर बोल रहा है भाई. भाई अपनी बॉडी देख के बात क्या कर बे. कौन ये बंदा भाई, बॉडी देख के बात कर भाई. तेरी बॉडी देख, ये तेरी भाई गया, ये तो गया भाई. क्रेटस पेल दे इसको. पेल दो भाई, पेल दो. क्रेटस इसको अभी भी वार्निंग दे रहा है कि मेरे घर छोड़ के चले जाओ. ये बोल रहा है कि मुझे भगाने के लिए तुम्हें सबसे पहले मुझे मारना होगा. एंड भाई ये तो शुरू हो गया क्रेटस पे, और क्रेटस को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई. अब तो गया बेटे, बेटे तू तो गया. तू तो गया. ओह तेरी क्या गुस्सा पड़ा है भाई क्रेटस से. You would not listen. क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? तो बंदा बोल रहा है नहीं 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 नहीं. मारा भाई ये बंदा तो मारा अभी, क्योंकि ये भाई ये क्या शॉट था भाई. भाई उस बंदे को मैं हल्के में ले रहा था भाई. भाई मुझे लगा ये लकड़ी जैसी शक्ल का बंदा, लकड़ी जैसी बॉडी का बंदा क्या ही कर पाएगा भाई क्रेटस के साथ. तुमने तो मुझे नाराज किया भाई तुम्हारी ताकत से. चलो शुरू हो जाओ. और अभी हमें मारना है ठीक है, तो हाँ मार देता हूँ फटाफट से. एंड मेरी एक्स का आके सबसे पहले तो मेरी एक्स बुला लेता हूँ. निकल चल. ये मार नहीं रहा भाई मुझे, पता नहीं क्यों. अच्छा मार रहा है भाई, लेकिन कुछ तो नीले कलर की लाइन. ओ भाई ये नीले कलर की कुछ लाइन डालता है ऊपर. एंड ये खुद नीले कलर का होता है गाइस, जिसके पास है ना कुछ अलग टाइप की एबिलिटी है, जिसके कारण जिसके चलते ही ये नीला हो जाता है. देखो तुम लोग, नीला हो जाता है एंड अचानक से तगड़ा हो जाता है बंदा. निकल चल निकल चल निकल चल. ओ तेरी ओ, भाई ये बंदे को मैंने फालतू में भाई अंडर एस्टिमेट किया भाई. ओके भाई ये भी काफी ज्यादा तगड़ा है बे. ये बोल रहा है काफी ज्यादा सिंपल है, मुझे जो चाहिए मुझे दे दो और मैं चला जाऊंगा. ओ ये पूछ रहा है कि घर के अंदर दो बेड क्यों है. इसका मतलब अभी है दुखती हुई नस को पकड़ने वाला है क्रेटस की. एड्रेस को पकड़ने वाले आई गेस, ऐसा लग रहा है. क्योंकि ये क्रेटस का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, इसलिए वो एड्रेस का बिगाड़ने की ट्राई करेगा. देखना अभी. भाई पेड़ फेंके आ रहा है भाई. क्रेटस भी किसी से कम नहीं है भाई, उसे फाइट तो बराबर क्यों रही है. ये बोल रहा है तुम किचन छुपा रहे हो घर के अंदर. तुम काफी धीरे हो और काफी बुढ़े हो. और भाई ये हील कर रहा है, व्हाट द फक. भाई इसने पूरी की पूरी हील वापस कर ली भाई. जितना अब तक मैंने इसको मारा था पूरी की पूरी इंजरी इसने हील कर ली खुद की. तुम नहीं बताने वाले, चलेगा. तुमने घर में जिसको छुपा रहा है उसको मैं मार के उससे बुलाता हूँ. अच्छा मतलब ये अभी घर के अंदर जाने वाला है एड्रेस को मारने के लिए.
और भाई रेज एक्टिवेटेड, लेट्स गो। ये मर अभी, चल मर मर अभी, तू देखेगा क्रेटोस के असली पावर। देख ले साले, देख देख पावर देख क्रेटोस की भाई, इसको फिर भी कुछ नहीं हो रहा भाई। लेट्स फाइंड आउट भाई, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई उसे देखा जाए तो। ओ तेरी। चलो इसकी आधी हेल्थ तो जा चुकी है रेज की मदद से, और इस बंदे का नाम नीचे स्ट्रेंजर लिखा हुआ आ रहा है, कहाँ पे ये? निकल चल, थोड़ी सी इसकी हेल्थ बाकी, थोड़ी सी। चलो अभी ये अटैक कर रहा है, मतलब ये कुछ जमीन के अंदर से कुछ भेजता है भाई लाइन, और वो काफी ज्यादा तगड़े वाली डैमेज करती है भाई, ब्लू कलर की लाइन। निकल चल निकल चल। ओ तेरी। भाई ये हंस रहा है भाई, इसको इतना क्रेटोस मार रहा है फिर भी ये हंस रहा है भाई। और देखो एक ही लात में, क्यों देखो भाई पत्थर भी तोड़ रहा है क्रेटोस उसको लात और गुस्से मार मार के। पीछे का पत्थर देखो कैसा टूट रहा है। इसके ऊपर पत्थर गिरने वाला है क्या अभी? ओह ओके ओके, समझ गया समझ गया, हाँ समझ गया। मर गया भाई, फाइनली मर गया, समझ गया तो मैं क्रेटोस क्या करने वाला है। मर गया भाई फाइनली। ओह काफी ज्यादा टफ बंदा था भाई ये। चलते हैं अपने घर के अंदर एंड एड्रेस से बात करते हैं, ठीक है? व्हाट लिविंग सो सून? भाई अभी भी जिंदा है, मुझे लगा मरा होगा ये। गाइस तुम लोग फाइट एंजॉय करो, ठीक है? स्टोरी जो भी होगी ना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर बाद, जैसे फाइट एंड होगी। अच्छा इसको ओडिन ने सेंड करा है भाई, जो कि थॉर का पापा है। इसको कुछ चीज जाननी यार, लेकिन ये बोल रहा है तुम जितना मार रहे हो ना मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई। भाई सही है यार, इतनी बार क्रेटोस उसे मार चुका है, इसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई कसम से। ओके देखा, ये क्रेटोस को मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, क्रेटोस को तो दुख रहा होगा, लेकिन भाई उस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई क्रेटोस के मारने से। पहले मुझे लगा था कि उस लकड़ी जैसे बॉडी के बंदे के शॉट से क्रेटोस को क्या ही होगा, लेकिन भाई मैं गलत था भाई। उस बंदे को कुछ नहीं हो रहा क्रेटोस के फाइट से। ये बोल रहा है तुम जो फाइट कर रहे हो ना मेरे साथ वो पॉइंटलेस है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे कुछ होने वाला भी नहीं है भाई। बंदा खतरनाक है यार, बंदा खतरनाक है भाई। देखा ओ क्रेटोस, क्रेटोस भी खुद को हील कर सकता है क्या? व्हाट Let's finish. चलो भाई फिनिश करते हैं अभी इसको, लेट्स गो। ओ तेरी भाई, ये पावरफुल हो चुका है लास्ट टाइम से। लास्ट टाइम ये बंदा है ना इतना पावरफुल नहीं था, मतलब हाँ मैं इसको इजीली मार पा रहा था, अब ये थोड़ा सा तो पावरफुल बना है भाई। इसने अपने अटैक भी चेंज कर लिए, पहले जैसे अटैक करा था ना उससे थोड़े से अलग अलग टाइप के अटैक कर रहा है अभी ये। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने उसकी हाफ हेल्थ तो वैसे डाउन कर ली है, हाफ से भी ज्यादा डाउन कर रही है वैसे देखा जाए तो। ओके लेट्स गो। ओके निकल चल। निकल, थोड़ी सी हेल्थ बाकी है, थोड़ी सी। अबे मार चल मार, थोड़ा सा बाकी, थोड़ा सा। मर गया, फाइनली मर गया भाई ये बंदा, फाइनली कापे। लेट्स गो। मरा नहीं भाई शायद से, अभी भी पता नहीं क्या भाई वापस जिंदा हो जाए, क्योंकि ये वापस जिंदा हो रहा है भाई बात बात पे तो। अबे नीचे मत गिरा भाई, वापस जिंदा हो जाएगा वो। ओके ओके। क्रेटोस ने इसके ऊपर एक पैतरा मार दिया है, WWF के अंदर जैसा होता है ना उसी टाइप का। ओके अरे उठ गया, ओह नहीं नहीं पकड़ लिया क्रेटोस ने वापस। Would finally make me feel something, but you can't.
चटका दी गर्दन, चटका दे, अच्छा मुझे कंट्रोल करना है, चटका दे, लेट्स गो, चटका दी भाई इसकी गर्दन, एंड फाइनली ये स्ट्रेंजर मर चुका है। अबे नीचे क्यों फेंक रहा है भाई क्रेटोस, वो वापस जिंदा होके आने वाला 100%, इसको क्रेटोस ने नीचे फेंका, ये वापस जिंदा होके आने वाला है। अगर क्रेटोस इसका अंतिम संस्कार कर देता ना, जला बिला देता ना, इसकी बॉडी के साथ कुछ अलग टाइप का सलूक करता ना, जलाने के टाइप, तो भाई वो बंदा वापस नहीं आता, लेकिन वो 100% वापस आने वाला है। पता नहीं भाई, भाई क्रेटोस की हालत देखो यार, अधमरी हालत में छोड़ दिया भाई उस बंदे ने इसको। ये कौन था? इसको मेरे बारे में सब कुछ पता था क्या? इसको मेरे अतीत के बारे में भी पता था? इतने दिनों बाद ये मुझे कैसे ढूंढ पाया? पे मैं क्या करूं? हमारा बच्चा रेडी नहीं है। ओ तू कैरी योर एशेस टू द माउंटेन। भाई फाइनली गेम वालों ने रिवील कर दिया है कि क्रेटोस के पत्नी का नाम फे था, एंड वो अपनी क्रेटोस अपनी पत्नी से बोल रहा है कि हमारा बच्चा अभी रेडी नहीं है तुम्हारी राख को, मतलब तुम्हारे अस्थियों को माउंटेन पे ले जाके छोड़ने के लिए। फाइनली गाइज, फाइनली गेम वालों ने रिवील कर दिया है कि माउंटेन पे क्यों जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसकी पत्नी की अस्थियां डालनी है हमें माउंटेन पे ले जाके। भाई क्रेटोस अपनी पत्नी से बोल रहा है कि मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ भाई तुम्हारे बिना ये सब चीज़ें करने के लिए। इसका मतलब क्रेटोस की पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, ये फे जो जिसका नाम था फे, फे भी काफ़ी पावरफुल थी आई गेस। But we cannot stay here. लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, देखा भाई। नहीं, क्रेटोस छोड़ ही नहीं सकता एट्रस को यहाँ पे, क्योंकि भाई कितने खतरनाक, मतलब उस वो जो बंदा था ना स्ट्रेंजर, उसने बोला था कि मैं यहाँ पे आता रहूँगा एंड तुम्हें ऐसे ही मारता रहूँगा, और ये जगह एड्रेस के लिए सेफ नहीं, इसी वजह से अगर क्रेटोस अकेला चला गया तो, अगर क्रेटोस अकेला चला गया एड्रेस को घर पे छोड़ के, तो वो बंदा वापस से आके एड्रेस की ऐसी तैसी कर सकता है भाई। ओके, तो क्रेटोस बोल रहा है कि तुम्हारी जो चीज़ें ना सारी के सारी इकट्ठा कर लो, हम लोग जाने वाले। बंदा बोल रहा है कि मुझे लगा था कि मैं रेडी नहीं हूँ। क्रेटोस बोल रहा है कि नहीं, तुम रेडी नहीं हो अभी भी, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे गलत साबित करो, मुझे गलत साबित करो कि तुम रेडी नहीं हो। बंदा बोला है चलो ठीक है, यस सर, लेट्स गो, लेट्स गो। भाई बंदा मरा तो है शायद से, वो पता नहीं भाई। पता नहीं भाई, बंदा लेकिन खतरनाक था भाई, मैंने उसको फालतू में अंडर एस्टिमेट किया। वो बोलते हैं ना गाइस, डोंट बुक, ओके, यही वो माउंटेन है जिसके ऊपर हमें जाना है, एंड ये काफी ज्यादा लंबी ट्रिप होने वाली है, ऐसा बंदा बोल रहा है। मतलब गाइस क्रेटोस बोल रहा है कि ये काफी ज्यादा बड़ी ट्रिप होने वाली है इसी माउंटेन के ऊपर जो सामने दिख रहा है हमें। एंड भाई वो क्या ही बंदा था भाई साहब, वो बोलते हैं ना डोंट जज बुक बाय हिज कवर, भाई वैसा ही सीन हो गया था। मैंने उसकी बॉडी देख के उसको अंडर एस्टिमेट किया भाई, लेकिन बंदा क्या ही था भाई वो, देखा यही बोल रहा है, एड्रेस भी बोल रहा है, ये कौन था? क्या तुमने उसे मार दिया? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ओके ओके ओके, बच्चा बोल रहा है कि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, तुम मुझे अकेला छोड़ के कभी मत जाना ठीक है, तो पप्पा ने भी बोल दिया हाँ कभी नहीं जाऊंगा। बच्चा डर गया था भाई। ओके, तो यहाँ से ऊपर ऊपर जाने आई गेस। ओके, बच्चा चिपक चुका है। तुमने इससे पहले कितने बंदे मारे हैं? क्योंकि तुम काफी ज्यादा माहिर लग रहे थे। बच्चा पूछ रहा है तुमने पहले कितने बंदों को मारा है ऐसे, क्योंकि तुम यूज्ड टू लग रहे थे इन चीजों के साथ। हाँ, तो तुम्हारे हार्ट को तैयार रखो, हमारी जर्नी के अंदर काफी सारे संकट आएंगे तुम्हारे ऊपर, संकट मतलब मुसीबतें,
तुम्हारे हार्ट को रेडी रखना, हमारी जर्नी के अंदर काफी सारी मुसीबतें तुम पे आ सकती है। ओके, तो क्या करना है यहाँ पे? ओके, बंदा बोल रहा है मुझे ऊपर भेज दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा व्यू देख के बता दूंगा कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं। ओके, लेकिन मुझे एक नीचे लीवर टाइप का दिखा था यही कहीं पे तो। ओके, तो किसी ब्रिज को क्रॉस करना है हमें, लेकिन यहाँ पे एक लीवर है। लीवर तो मुझे दिख चुका है, लेकिन लीवर से होगा क्या? यहाँ पे कुछ कलेक्टिव आइटम है जिसको मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। क्या होगा इससे? ओके, गो F to drop chain. Boy. Yes, sir. हाँ, चेन के नीचे फेंको, क्रेटस बोल रहा है बॉय। और अगर मैं इसको छोड़ूंगा ना तो शायद से ब्रिज वापस से ऊपर हो जाएगा, लेकिन मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता आई गेस। ओके, तो मुझे पता है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही चेन ड्रॉप करी थी। यहाँ पे इसे मारना है? नहीं यार, गलत मार दिया मैंने आई गेस। यहाँ पे मारना है एंड अभी मैं इसको छोड़ सकता हूँ, एंड अभी मैं यहाँ से ऊपर भी जा सकता हूँ। लेट्स गो, चलते हैं ऊपर। एंड मेरी एक्स को मैं वापस बुला लेता हूँ, ठीक है? द हैंगिंग बकेट। अबे यार, लग गए। वापस से जाना पड़ेगा मुझे, वापस से जाना पड़ेगा। रे बाबा, गॉड्स केयर नथिंग फॉर देम, men should not pray to monsters. क्या बोल रहा है भाई ये? हाँ, तो मुझे ना इसको पकड़ के वापस से नीचे जाना है, एंड यहाँ पे एक्स को मारना है, एंड एक्स को वही रहने देना है गाइज, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक्स को बुला लिया था। एक्स को बुलाना नहीं है, अगर मैं एक्स को बुलाऊंगा ना तो ब्रिज वापस से ऊपर चला जाएगा, ठीक है? सोया, जाना कहाँ पे मुझे? इस साइड पे। ओके, यहाँ से ऊपर जाना है आई गेस, और यहाँ पे कुछ हील करने का ऑप्शन है, लेकिन मैंने फालतू में हील कर दिया भाई। अचानक से अगर मेरे ऊपर अटैक हो गया तो हील करने के लिए मुझे वापस यहीं पे आना पड़ेगा ना। आना, वैसे मैंने क्या हमें और बंदे भी मिलेंगे क्या रोड में, रास्ते में? क्या वो फ्रेंडली होंगे? तो बच्चा पूछ रहा था कि क्या हमें रास्ते में बंदे मिलेंगे काफी सारे। क्रेटस बोल रहा था यस। क्या वो हमारे फ्रेंड होंगे? क्रेटस बोल रहा है नहीं। तो क्या वो हमें लूटने की कोशिश करेंगे? तो क्रेटस ने बोला हो सकता है। तो गाइज, इस जर्नी के अंदर हमें काफ़ी सारे बंदे मिलने वाले हैं, कुछ फ्रेंडली होंगे और कुछ ये भी होने वाले हैं, मतलब लूट मारी करने वाले या फिर एनिमीज भी हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ से नीचे जाना है मुझे, एंड कहाँ पे जाना है? ओके, वहाँ पे एक संदूक है, संदूक को खोल लेता हूँ। क्या मिलेगा इसके अंदर? हाँ, क्या मिलेगा? सिल्वर हैक्स। ओके, और वापस से चलते हैं वहीं पे, एंड अगेन यहाँ से मेरे को ऊपर जाना है। निस्ता, व्हाट, किसको मार रहा है भाई तू? निस्ता, अच्छा मैं एफ दबाता हूँ तो वो भी शूट करता है यार। ओके ओके, गॉटचा, ये देखो। कहीं पे भी एरो चलाता है भाई ये। ओके, यहाँ से ऊपर जाना है हमें। बेटे चिटक जा पप्पा को, बेटा पप्पा को चिपक चुका है। चलते हैं ऊपर भाई। कितनी प्यारी जगह भाई, कितने प्यारे ग्राफिक्स दिख रहे हैं। उधर देखो पप्पा, हमेशा ओके। समझ में आ चुका है गाइस अभी क्या सीन है। ओके गाइस, स्टोरी क्या है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, एक मिनट रुको बस। कम, नो लुकिंग बैक नाउ। आ जाओ, पीछे मत देखना। ओके, तो गाइज, जो पूरी स्टोरी है ना वो मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइज, लास्ट टाइम हमें जो लकड़ी जैसा पतला बंदा मिला था ना, जिसके शरीर के ऊपर पूरे के पूरे टैटूज थे,
तो उसको भेजा था उड़ीन ने, जो कि थॉर का पापा है। और वो बंदा बोल रहा था कि मुझे पता है भाई, तुम यहाँ पे छुपे पड़े हो इस घर के अंदर, एंड मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए, ठीक है। उस बंदे को क्रेटोस से सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन क्रेटोस ने बोला कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो भाई, मुझे नहीं पता तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम अपने घर के लिए निकल जाओ। तो उस बंदे ने बोला कि मैं फाइट नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, तुम बस मुझे जो चाहिए ना इन्फॉर्मेशन वो तुम दे दो। लेकिन क्रेटोस बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम निकल जाओ। तो उस बंदे ने बोला तुम चाहते हो कि मैं निकल जाऊँ, तो उसके लिए तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। और दोनों के बीच फाइट हो गई गाइज। और मुझे लगा था वो काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला बंदा होगा, कुछ नहीं कर पाएगा, हमारे क्रेटोस के सामने टिक ही नहीं पाएगा, लेकिन भाई मैं गलत था। सीन उल्टा था, उस बंदे ने क्रेटोस को पेल दिया था एंड उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था भाई, क्योंकि उसको जितना भी मारूं वो वापस से हील कर पा रहा था भाई, वो काफ़ी ज़्यादा अलग ही टाइप का बंदा था। उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन क्रेटोस को ऐसी तैसी कर देते गाइज उस बंदे ने। और उससे ये भी पता चल गया था कि इस घर के अंदर दो बंदे रहते हैं, तो उसको पता चल गया था कि क्रेटोस की एक कमजोरी है। और भाई वो बंदा बोल रहा था कि तुम इस घर के अंदर जिस भी बंदे को छुपा के रख रहे हो ना, अगर तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं उस बंदे को टॉर्चर करके उसे मार के उससे इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। तो फाइनली गाइस क्रेटोस ने उसको मार तो दिया है, लेकिन वो मरा है या फिर नहीं ये चीज़ पता नहीं, क्योंकि वो वापस से हील कर ले रहा था खुद को। और गाइस जैसा कि उस बंदे ने बोला था कि मैं इस वाले जगह पे हमेशा आता रहूँगा एंड तुम्हें हमेशा मारता रहूँगा, तो गाइस एट्रेस को घर पे अकेला छोड़ना ये नहीं था, ठीक है, अच्छे फादर की निशानी नहीं थी, एट्रेस की जान को धोखा हो सकता था। तो इसलिए क्रेटोस ने सोचा कि चलो भाई, बंदा रेडी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन बंदे को लेके जाना ही पड़ेगा माउंटेन पे। एंड गाइस गेम वालों ने साथ ही साथ रिवील कर दिया कि क्रेटोस की जो पत्नी है उसका नाम फे था, ठीक है। एंड क्रेटोस जो जा रहा है ना अभी इस जर्नी पे, माउंटेन की जर्नी पे इसलिए जा रहा है क्योंकि क्रेटोस की पत्नी ने बोला था कि से एक स्पेसिफिक जगह के अंदर है ना, मैं जब मरूंगी ना तो मेरी जो अस्थिया होगी ना, उस अस्थियों को किसी स्पेसिफिक जगह पे ले जाके डाल देना। तो वो जगह यही कहीं पे, यहाँ से कुछ जगह दिख रही थी। और गाइज लास्ट टाइम क्रेटोस ने जो पेड़ तोड़े थे ना, उन पेड़ों पे कुछ हाथ के निशान थे, और वो किसी के नहीं, फे के निशान थे, क्रेटोस के पत्नी के निशान थे। एंड उसने पेड़ों पे इसलिए निशान करके रखे थे ताकि जब फे मरेगी तब उसको जलाने के लिए उन्हीं पेड़ों का इस्तेमाल करना, ऐसा वो क्रेटोस को बोल के गई थी। और गाइज वो जो पेड़ थे ना, वो देखो वहाँ पे वो दिख रहा है कि तुम लोगों को, येलो येलो टाइप का, तो पूरा का पूरा एक सर्कल टाइप का है। एंड वो जो सर्कल टाइप का है ना, ये कुछ कवच टाइप का था, ठीक है। और गाइज ये जो कवर है ना, इस कवर को तोड़ के कोई भी मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पाता था। और गाइज फे का अंतिम संस्कार करने के लिए जैसे ही क्रेटोस ने उन पेड़ों को तोड़ा है, वैसे ही काफ़ी सारे मॉन्स्टर अभी उनके घर के काफ़ी ज़्यादा पास आ रहे हैं, ठीक है। और गाइज मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, एट्रेस की मम्मी ने यानी कि क्रेटोस की पत्नी ने ऐसा क्यों किया भाई, ये कवच तोड़ने की बात क्यों करी थी, क्या वो चाहती थी कि क्रेटोस के ऊपर एंड एट्रेस के ऊपर मॉन्स्टर हमला करे, इसलिए उसने बोला था क्या वो पेड़ तोड़ो, पता नहीं भाई, क्योंकि अगर पेड़ तोड़ेंगे तो वहाँ पे मॉन्स्टर आएंगे ही ना, क्योंकि ये कवच है, और कवच टूटेगा तो अंदर मॉन्स्टर आएगी ना, ज़ोंबी आएगी ना। तो यार गाइज स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड इस वाले एपिसोड को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वाले एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि मैं थोड़ी सी भी स्टोरी मिस ना करूँ, ठीक है, तो एपिसोड को मिस मत करना। एंड मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वाले एपिसोड में, एपिसोड को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइज।